नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में लोगों को अब छूट दे दी है, यानी कि अब शनिवार को कोरोना कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा और एक बार फिर से शनिवार को बाजार खुल सकेंगे। बता दें, शनिवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, लेकिन रविवार को अभी भी कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो बता दें, बहुत बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को कोरोना कर्फ्यू नहीं रहेगा और रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा, यानी कि अब शनिवार को भी बाकी आम दिनों की तरह बाजार खुल सकेंगे, लोग अपने कामकाज कर सकेंगे जो पहले की तरह नहीं कर पा रहे थे। बता दें, जब से कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाया था, तभी से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसमें शनिवार और रविवार दोनों दिन कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। हालांकि तभी से लेकर अभी तक शनिवार और रविवार दोनों ही दिन कोरोना कर्फ्यू के प्रोटोकॉल का लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने लोगों को ये बहुत बड़ी राहत दे दी है और शनिवार को अब कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी है। अमेठी में लगातार हो रही बारिश से कच्ची दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में दबकर एक 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं घटना की खबर से मोहल्ले में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही जायज थाना अध्यक्ष और राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अमेठी में लगातार हो रही बारिश सद्दाम के लिए काल बनकर आ गई थी। सद्दाम की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ एक कच्चे जर्जर मकान में रह रही थी। वहीं सद्दाम की पत्नी बच्चों के लिए नाश्ते के लिए सामान लेने दुकान पर गई थी। इधर कच्चे मकान के इतने में दीवार गिर गई। वहीं मलबे में दबे 2 बच्चे दब गए, जिसको आसपास के लोग दीवार गिरते ही दौड़ पड़े और मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाया। वहीं मलबे को हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबने से सद्दाम की 3 वर्षीय बेटी अलीशा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल अन्य 2 बच्चों को आनंद फानंद में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, विदारक घटना से मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। मासूम बेटी की मौत से मां का रो रो कर बुरा हाल है। कई बार देखा गया है कि अस्पताल के डॉक्टर अक्सर ड्यूटी पर नहीं मिलते, जिसके चलते कभी कभी मरीज की जान भी खतरे में आ जाती है, तो कभी मरीज के परिजन ही हंगामा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अमेठी के जिला अस्पताल में, जहां पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने डॉक्टर के न मिलने पर नाराज होकर अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। वहीं इस तोड़फोड़ में हजारों रुपए के सामान का भी नुकसान हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी डॉक्टर नीरज गौतम अपनी ड्यूटी के समय अस्पताल नहीं पहुंचे थे। हरदोई के तहसील बिलग्राम इलाके में बैनामा संबंधी पत्रावली गायब करने के आरोप में प्रशासन ने लेखपाल को निलंबित कर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यहां एक महिला ने जमीन खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज होना था, लेकिन लेखपाल के पास महिला चक्कर लगाती रही, लेकिन लेखपाल ने उसके बेवकूफ से बनाया और पत्रावली गायब ही कर दी। पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच कराई गई तो महिला का आरोप सही पाया गया और इस मामले में SOC ने चकबंदी लेखपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने का निर्देश दिए हैं। तो बता दें, लेखपाल ने पत्रावली महिला की गायब कर दी थी, साथ ही लेखपाल पर FIR के अब आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चकबंदी के लेखपाल सौरभ यादव द्वारा एक पत्रावली गायब कर दी गई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि एक महिला मीना, श्रीमती मीना पत्नी श्री पुत्तीलाल द्वारा एक बैनामा कराया गया था और इस पर चकबंदी अधिकारी द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया था और नामांतरण आदेश पारित करने का अमल दरामद लेखपाल को कराया जाना था। लेखपाल द्वारा उस महिला को खूब परेशान किया गया, दौड़ाया गया,
प्रताड़ित किया गया और उसकी पत्रावली भी गायब कर दी गई। शिकायत मिलने पर चकबंदी अधिकारी से जांच कराई गई और जांच में फाइल गायब करने की पुष्टि हुई है। इसको देखते हुए संबंधित लेखपाल सौरभ के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से नियुक्त प्राधिकारी SOC द्वारा निलंबित कर दिया गया है। कानपुर के चकेरी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस से सप्लाई के लिए लाए जा रहे मादक पदार्थ के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि रोडवेज बस से लखनऊ के रास्ते कानपुर में तस्करी के लिए गांजा लाया जा रहा है। पुलिस और सर्विलांस टीम ने बस में छापा मारकर सभी 5 अभियुक्तों को 50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त आशु, महेंद्र, राजेश, सुरेंद्र समेत अवदेश को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी काफी लंबे समय से गांजे की तस्करी कर रहे थे और कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने बताया है कि ये सक्रिय गैंग था जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायत इस क्षेत्र में मिल रही थी और चकेरी पुलिस द्वारा ये अच्छा काम किया गया और 5 ऐसे तस्करों को, मादक पदार्थों को बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 51 किलोग्राम गांजा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और अब इनके खिलाफ और पुख्ता साक्ष्य संकलन किया जा रहा है जिससे कि इनको कोर्ट से सजा दिलाई जा सके। कासगंज के सिद्धपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस कप्तान के निर्देशन में सिद्धपुरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान 35 मोटरसाइकिल और टेम्पो बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 5 जुआरी को भी गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर के पास एक जुआरी जुआ खेल रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने जुआरियों को जेल भी भेज दिया है। तो बता दें, छापेमारी के दौरान पुलिस ने 15 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस के हाथ ही बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि जुआरियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। पुलिस को दरअसल सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को जेल भेज दिया है। इनके पास से बता दें 35 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की हैं। मथुरा के थाना बलदेव इलाके के पटलौनी गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक घर पर पथराव किया। वहीं घर में रहने वाली महिला ने घर के कमरे में खुद को बंद करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने बता दें कार्रवाई करने के बाद दबंगों को जेल भी भेज दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से, वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से, कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, हमारे घर पे हम लोग, मैं और मम्मी मेरे काम कर रहे थे, अचानक से एक छत पे आके हम लोगों पे हमला किया। हमला करके 15-20 लोग आए थे डंडे वगैरह लेके, पहले गेट पे आक्रमण किया है, फिर उसके बाद हमारी छत पे आके हम लोगों पे ईंट पत्थर मारे हैं और ये सब आपके सामने दिख ही रहा है, ये वीडियोस जो भी हैं। बस हम तो जान बचा। क्या नाम है उनके? एक देवेंद्र सिंह है, देवेंद्र गौतम, ज्ञानेंद्र गौतम, राजू और दो उसके भांजे भी थे, संजू, बबलू, ये सब थे। उसकी बहन भी थी, भाभी भी आई है उसकी, जो भी थी पत्नी भी आई है, सारी आई है। 15-20 लोग आए थे डंडे वगैरह ले लेंगे।
प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया है। बता दें कि 9 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवकों की हत्या कर शव को धान के खेत में फेंका गया था, जिसके बाद आए दिन पुलिस प्रशासन पर आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं SP सत्यपाल अंतिल के निर्देश पर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो अभियुक्त अभी भी मौके से फरार हैं। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर लड़की के परिजनों की तरफ से युवकों की धान के खेत में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। तो बता दें, पुलिस ने डबल मर्डर का ये खुलासा कर दिया है और साथ ही पुलिस ने दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों दो युवकों की मौत हो गई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है और साथ ही इस पूरे मामले में आरोपी दो युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि प्रेम प्रसंग को लेकर लड़की के ही परिजनों ने युवकों की धान के खेत में गला दबाकर हत्या कर दी थी। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित लावा कंपनी के बाहर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने सैलरी और कंपनी प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किए जाने के विरोध में कंपनी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही एडिशनल DCP और कोतवाली फेज 3 की पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को शांत कराकर कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत कर मामला सुलझाने में जुट गई। वहीं बता दें, लावा कंपनी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि लावा कंपनी प्रशासन और से लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं किया गया और कंपनी वाले वर्कलोड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 11 घंटे के काम को 8 घंटे में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है। इसका विरोध करने पर 8 लड़कों को जबरदस्ती उठाकर अंदर भी ले गए, वहां कमरे में बंद करके टॉर्चर किया गया, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। वही इसी को लेकर गुस्सा हुए सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और सड़क पर उन्होंने जाम लगा दिया। तो बता दें, पूरा मामला ये नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित लावा कंपनी का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लावा कंपनी के कर्मचारी सड़क पर जाम लगाकर बैठे। हालांकि मौके पर जब पुलिस पहुंची, कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया और कर्मचारियों को समझा बुझा कर साइड कराया गया और बातचीत की गई और जाम को खुलवाया भी गया। सिचुएशन नॉर्मल है, अभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनके HR के रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए। कंपनी का जो मालिक है उनको भी बुलाया जा रहा है। इनके सैलरी इश्यूज हैं और लेट आवर्स का काम का और संडे की शिफ्ट को लेकर इशू हैं, तो वो इनके कंपनी के मालिक से बात कराई जा रही है। और इनके जो भी लेबर के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बुला लिया है। कोई भी अगर लेबर का यहाँ पे उनके साथ बरताना हो रही है तो वो लेबर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि कंपनी लेबर को तंग कर रही है, तो वो सारे इशू सबको यहाँ बुला लिए, सबसे बात कराई जाएगी और इसका जल्द समाधान हो जाएगा। बिजनौर में मंडावर रोड स्थित माला नदी के पुल पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घंटों चली कई राउंड फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि पुलिस का एक जवान भी गोली लगने से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने दो बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है और घायल पुलिसकर्मी सहित तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं बाकी लोग मौके से फरार हो गए और इसी के साथ पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बाइक पर सवार दो बदमाश थे, जिनकी पुलिस ने घेराबंदी की और मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
गोरखपुर शहर बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास सक्रवाल ने अपने आवास की मरम्मत को लेकर अपनी ही सरकार से ट्विटर के जरिए गुहार लगाई है। दरअसल विधायक ने अपने ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई नेताओं को अपने ट्वीट में टैग कर गुहार लगाई है। तो बता दें बीजेपी के ही विधायक ने ट्वीट किया है और विधायक ने ट्विटर पर अपने ही पार्टी के मंत्रियों से गुहार लगाई है। बाराबंकी में परिवहन विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध वाहन बाजारों के खिलाफ अभियान चलाया है। दरअसल अभियान चलाकर शहर में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने लगने वाले दो पहिया वाहनों के बाजार पर नकेल कसी है। एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह, प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव और सीओ यातायात सीमा यादव के साथ यातायात निरीक्षक अवनीश सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ इन बाजारों पर छापा मारा और इनके संचालकों का नाम पता दर्ज किया। साथ ही यहां बिकने वाले वाहनों का विवरण और दस्तावेज भी चेक किए। वहीं इस अभियान के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि ये सभी बाजार अवैध हैं और इन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये अभियान एसपी बाराबंकी के निर्देश पर चलाया गया है। तहसील महीपुरवा में थारू जन जागरूकता समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर एसडीएम महीपुरवा की न मौजूदगी में बता दें ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में हमारी आबादी सर्वाधिक होने के नाते शासन ने ये सीट जनजाति समुदाय को दी थी, लेकिन विनोद वर्मा ने धोखाधड़ी कर हमारे हक और अधिकार को छीन लिया है। थारू समाज ने वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार वर्मा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि किस बुनियाद पर कुर्मी समाज पिछड़ी जाति में आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने फर्जी ढंग से अपने आप को जनजाति सिद्ध कर हमारे समाज के मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। इन्होंने जिस महिला को पंचायत चुनाव में उतारा और चुनाव जीत कर हमारे समाज का हक छीना है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं वर्तमान महिला प्रधान थारू समाज की ना होकर पिछड़ी जाति की है। इनके थारू जनजाति के कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं है। आखिर कब तक थारू समाज को लोग दबा कर रखना चाहते हैं? अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमारे अधिकार हमसे छीनते रहेंगे। अब थारू समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आजादी के 74 साल बीत गए, लेकिन अब भी थारू समाज के लोगों को दबा और कुचला हुआ समझ रहे हैं। आज हमारे समाज को बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, नहीं तो हमारे समाज को जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। बरेली के कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला साहूकारा निवासी व्यापारी प्रवीण अग्रवाल ने कस्बे के ही मनोहर मेडिकल हॉल के संचालक अनमोल अग्रवाल और प्रियंका अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दोनों ने 90,000 रुपए लेकर उन्हें कोविप्री नाम की दो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे और इससे उनके कोरोना संक्रमित भाई को कोई फायदा नहीं हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले सामने आया कि उत्तराखंड में रुड़की में साधारण एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर कोविप्री का लेवल लगाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आला अधिकारियों से जब जवाब मांगा गया तो बस जांच के नाम पर टालते हुए वो नजर आए। वहीं पीड़ित व्यापारी मदद के लिए दर दर भटक रहा है। बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है और इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले सभी लोगों की संदिग्ध चेकिंग की गई। वहीं डॉग स्क्वाड टीम को भी रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर लगाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग कराई गई। बता दें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले के सभी जगहों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही किसी भी
तरह की कोई घटना ना हो सके, इसके लिए भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद होती नजर आ रही है। आगामी जो त्यौहार हैं और 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए, इसलिए आरपीएफ इंस्पेक्टर और एसओ जीआरपी मैं पुलिस फोर्स के और इंस्पेक्टर नजीबाबाद की मैं फोर्स के आज चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पूरी चेकिंग की गई है कि कोई अराजक तत्व या आतंकवादी गतिविधि के कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, उसकी तलाशी ली गई है, पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई है। डॉग स्क्वाड हमारे साथ में है आरपीएफ वालों का, और सुरक्षा की दृष्टि से आगामी त्यौहार को देखते हुए ये तलाशी ली गई। बिजनौर में दो बाइक पर अज्ञात बदमाशों ने महिला से सामान छीनने की कोशिश की, वहीं महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और जमा भीड़ ने भाग रहे दोनों बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें, बिजनौर का ये मामला है जहाँ पर महिला से बदमाशों ने सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन मौके पर महिला ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आसपास के लोगों ने भीड़ जो वहां पर जमा हुई वहां पर उन्होंने भागते हुए बदमाशों को धर दबोचा और पुलिस ने बदमाशों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर मुजरिमों को भगा दिया है। वहीं ग्रामीणों के हमले के दौरान चंदेरू जेल चौकी प्रभारी और सिपाही मामूली रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस ने एक को हिरासत में लेते हुए 9 नामजद समेत एक दर्जन से ज्यादा अज्ञात हमलावरों पर सरकारी काम में बाधा डालने और हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बुलंदशहर थाना नरोरा क्षेत्र के नरोरा टोल प्लाजा पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल नरोरा टोल प्लाजा धीमी हुई रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने आकर जोरदार टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही बता दें, टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। देखिए, एक सीसीटीवी वीडियो देखने से पता चल रहा है कि एक सरकारी बस टोल प्लाजा पे आकर रुकी, पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से आ रहा था। उजाला है, दिन का समय है और लापरवाहीपूर्ण तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा था। संभवतः उसकी मनोदशा अच्छी नहीं रही होगी कि सामने की बस उसको नहीं दिखाई पड़ी और उसी रफ्तार में पीछे से आकर के खड़ी हुई बस में टकरा गया, जिससे हेड इंजरी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। मथुरा में हरियाली तीज के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बांके बिहारी मंदिर में आयोजित झूलन उत्सव में भाग लिया और वहीं मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बांके बिहारी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी कराई। वहीं उन्होंने भगवान का प्रसाद रूप फूल माला और दुपट्टा भेंट किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आज बिहारी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आया हूं और जब मंगल की कामना करता हूं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य पार्टियां चाहे कितनी भी सम्मेलन या रैली कर लें, सब बेकार साबित होगा, 2022 में हमारी सरकार की जीत होगी। तो बता दें, केशव प्रसाद मौर्य बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की और काफी सामान उन्होंने वहां पर बेच किया। वहीं विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि 2022 में एक बार फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।